नमस्कार, मैं हूँ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर आज का टीडी एजुकेशन। और आज के टीडी एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं, अगर आप भी स्नातक सत्र 21 से 22 के एडमिशन से वंचित हैं तो देखें पूरा वीडियो। 17 जनवरी 2022 तक बचे हुए सीटों पर उन छात्र छात्राओं का नामांकन होगा जिन्हें किसी भी मेरिट लिस्ट में चयनित नहीं किया गया है, उनके लिए एक और मौका। स्नातक प्रथम खंड सत्र 2021 से 24 में नामांकन से वंचित छात्रों को मिलेगा नामांकन के लिए एक और मौका। चौथी सूची जारी होने के बाद भी बच गई है 5,893 सीटें जिन पर होगा नामांकन। वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन उनका नाम अभी तक किसी भी लिस्ट में नहीं आया है, या जिनका नाम लिस्ट में आया था लेकिन किसी कारणवश नामांकन नहीं करा पाए हैं, उन छात्रों का लिया जाएगा नामांकन। 17 जनवरी 2022 से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर कर सकते हैं आवेदन। आवेदन के लिए मिलेगा 5 दिन का समय। एडमिशन के लिए कॉलेज और विषय बदल कर सकते हैं आवेदन। 5 कॉलेजों को चुन सकते हैं छात्र छात्रा। मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा नामांकन। सभी कॉलेजों में विषय के अनुसार उपलब्ध सीटों की जानकारी दिए गए लिंक द्वारा कर सकते हैं चेक, jpbadmission.org। आज के टीडी एजुकेशन में इतना ही। देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।